हेलो फ्रेंड, फैंटेसी क्रिकेट फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको ड्रीम इलेवन के साथ साथ प्ले स्पॉट की टीम भी दूंगा और कोशिश करूंगा एक अच्छे टीम देने के लिए। और सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होने वाला है और आज का मैच भी वाइटल है क्योंकि दोनों टीम के मैं बात करने जा रहा हूँ वो दोनों टीम ही पिछले मैच हार गए थे। तो इस वीडियो का जरूर पूरा देखिए। तो देखिए आज बहुत सारे मैच है, सारे वीडियो आपको मैं ना दे पाऊँ लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने के लिए आपको। फ़िलहाल मैं जो साउथ अफ्रीका T10 सुपर लीग चल रहा है दोनों टीम उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। जो टीम है तस्वानी स्पार्टन्स एंड जोजी स्टार, इस टीम के बारे में फ़िलहाल मैं बात करूंगा। और चलिए देखते हैं क्या रहेगा इसका पेयरिंग इलेवन, पहले देख लेते हैं और कौन कौन खेलेगा। चलिए वहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आ गए हैं हम, तो देख लेते हैं जोजी स्टार में कौन 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 खेल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले जो जिसके बारे में बता रहे हैं वो है आर रिकल्टन, जो अच्छा बैट्समैन है और हाइस्ट रन गेटर भी है, अच्छा रन कर रहा है हर मैच में। तो ओपन करेगा, उसके साथ ओपन करेगा हेनरिक्स। हेनरिक्स जो अच्छा फॉर्म में नहीं है लेकिन अच्छा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके साथ वो ओपन करेगा। उसके बाद आएगा वेंडर डासन, डैन विलास जो विकेट कीपर कैप्टन है, अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद आएगा फाइट वैन विलजॉन, उसके बाद क्रिश्चियन अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा विकेट भी लेता है और रन भी करता है, हर मैच में 20-30 रन तो करता है, तो अब उसको ले सकते हैं। इसके बाद आएगा हरमार जो अच्छा बॉलर है। उसके बाद जो है रबाडा, रबाडा का मुझे सुनने का है उसका चोट है लेकिन ट्विटर में मैंने देखा कि उसका ठीक है, वो खेलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप रबाडा को ना ट्राई करें क्योंकि रिक्स है, ठीक है, प्लेइंग इलेवन में आप रबाडा को ना लें, लेकिन यहाँ पर रबाडा खेलेगा। उसके बाद आएगा ओलिवर, ओलिवर अच्छा बॉलर है, उसके बाद हेनरिक्स एंड उसके बाद इली, ठीक है। आप देख लेते हैं तस्वान के प्लेइंग इलेवन कौन है, सेमी है। यहाँ पर देख लेते हैं जी क्लोटिक ओपन करेगा, उसके साथ टीडी जॉर्जी ओपन करेगा, उसके बाद आएगा टीडी ब्रेन, फिर आएगा डिविलियर्स। डिविलियर्स का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन आप जानते हैं कितना बड़ा प्लेयर है तो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो उसके बाद आएगा एल्गार, फिर आएगा फिलिंग विलियमसन देख सकते हैं, उसके बाद मेंडिस जो हाई विकेट टेकर है आपको बता दूँ तो अच्छा बॉलर है। उसके बाद आएगा सी पीला, उसके बाद इहोकेन एंड सी बॉस जो प्लेइंग इलेवन है। और अब देख लेते हैं कि प्लेयर कौन कौन है। एक बार आप देख सकते हैं जो जी कॉलेट, मैं उसको की प्लेयर मानता हूँ क्योंकि वो चार मैच में 145 रन बना चुके हैं और हाईस्ट रन गेटर है। उसके बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिकल्टन वो भी अच्छा है। उसके बाद डिविलियर्स, वैन डर्सन, जे मेंडिस, एल सी मपेला और ओलिवर, फिर आएगा हेनरिक्स। तो ये मेरा की प्लेयर है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए आप देख लेते हैं मैं ड्रीम इलेवन में क्या टीम बनाया हूँ। चलिए ड्रीम इलेवन में चलते हैं। चले फ्रेंड, आ गए हम ड्रीम इलेवन पे, देख लेते हैं क्या रहेगा प्लेइंग इलेवन। यहाँ पर मैंने एक टीम बनाया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है दो विकेट कीपर ऑप्शन है आपके पास, एक है डेन भिलास और एक है जिला क्लोटी। मैंने जिला क्लोटी को यहाँ पर लिया है क्योंकि ओपन करता है, तो आप जिला क्लोटी को ले लीजिए और आप डेन भिलास को भी ले सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जिला क्लोटी को लिख सकता हूँ। आप चलिए बैट्समैन की तरह जाता है, यहाँ पर मैंने चार बैट्समैन लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिविलियर्स को लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर डेसी वंडर डसन को लिया है, ठीक है, उसके बाद थ्योरी डी ब्राइन एंड रियान रिकेल्सन को लिया है। आप यहाँ पर किसको ले सकते हैं आप देख लीजिए। यहाँ पर आप तो यान मॉर्गन को ना मत लीजिए कि नहीं खेलेगा, क्रिस गेल भी नहीं खेलेगा, ट्रिटन खेल रहा है, डेनिल का नहीं खेलेगा,
राइली रूसो भी नहीं खेलेगा। यहाँ पर आप रेजा हेनरीज को ले सकते हैं, मैं इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फॉर्म में नहीं है। आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर आप पीटर वैन विजेलन को भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा प्लेयर है। यहाँ पर मैं चार बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, देख सकते हैं। इसके बाद चलिए ऑलराउंडर देख लेते हैं। यहाँ पर हम तीन ऑलराउंडर लिया है, ठीक है। एक है डैनियल क्रिस्टियन जो अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग में आपको एक दो विकेट जरूर देगा। उसके बाद मैंने लिया है पे जीवन मेंडिस को, ठीक है, और लिया है रॉबर्ट फील्डिंग को। यहाँ पर आप सिमोन हार्मर को ले सकते हैं, रॉबर्ट फील्डिंग को बैठा कर, ठीक है। क्रेडिट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्रेडिट अच्छा बहुत ही है। तो मैंने यहाँ पर रॉबर्ट फील्डिंग को लिया है, आप सिमोन हार्मर को भी ट्राई कर सकते हैं। अब बॉलिंग सीजन देख लेते हैं। यहाँ पर बॉलिंग में मैंने लिया है यहाँ पर ब्री हेनरिक्स को, जो अच्छा बॉल कर रहा है और हर मैच में दो विकेट को मिलता ही है इसको, इसलिए मैं उसको लिया हूँ, अच्छा बॉलर है ये। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर डॉन ओलिवर ओलिवर को, जो अच्छा बॉलर है, और लुथो सिंपला को। तीनों बॉलर हमने लिया है, आप किसी को ले सकते हैं। आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर स्वान वार्क को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एडी ली अच्छा बॉलर है, इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कगिसो रबाडा को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, अगर खेलेगा अच्छा विकेट भी मिल जाएगा, अच्छा प्लेयर है, तो आप ग्रैंड लीग आसानी से विन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आप चलिए देख लेते हैं प्ले स्पॉट की क्या टीम है। देख सकते हैं प्ले स्पॉट की टीम लगभग सेम ही टीम है। यहाँ पर हमने डिविलियर्स को लिया है, रेसिव हैंडरसन को लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रियान रिकेलसन और थेनरी ब्राइन, ठीक है। आप चाहे तो आप यहाँ पर ले सकते हैं पीटर वैन विजेलन को भी ले सकते हैं, अच्छा प्लेयर है। उसके बाद बॉलर देख लेते हैं, बॉलर लगभग सेम ही है, देख सकते हैं आप ब्रेंड हेनरिक्स, ट्रेंट ओलिवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लुथोन सिंपला जो सिमपला उसको भी लिया है। अब चाहे तो कागिसो राबाडा को ट्राई कर सकते हैं, ए डिल्ली अच्छा बॉलर है, उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। विकेट कीपर में सेम विकेट कीपर गिली कोलिटो को ले सकता है, लिया हूँ। आप चाहे तो डेन विलियर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैप्टन के बारे में बात कर ले, तो मैंने यहाँ पर कैप्टन डिविलियर्स को बना है, और स्टार प्लेयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जीवन मेंडिस को बना है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर कैप्टन आप रिची रिक्सन को बना सकते हैं, ठीक है। और वाइस कैप्टन डेन क्रिस्चियन को, फर्स्ट गैन लीग के लिए डेन क्रिस्चियन अच्छा है, और विकेट कीपर की भी अच्छा है ग्रेट क्लोटन, उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। इसे सेफ स्क्वाड आपको दिखा देता है, टीम पीपल आपको दिखा देता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देख लीजिए आप सेम टीम है, सेम यहाँ पर जो ड्रीम इलेवन अब दिया था वही सेम टीम है। तो दोस्तों मैंने जो टीम देना था आपको दे दिया। अब अगर आपने अभी भी प्ले स्पॉट और ड्रीम इलेवन नहीं ज्वाइन किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दिया हूँ, और आप प्ले स्पॉट में आपको 25 रुपीज़ मिलेगा, और 100% बोनस के साथ आप खेल सकते हैं। तो और कोशिश करूँगा अब अगले वीडियो में आपको अच्छे वीडियो देने के लिए। तो तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो देखते रहिए, थैंक यू। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल बटन को जरूर जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसके इसको आपको वीडियो जरूर चला जाएगा आपके पास। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्त।